अमेरिका के चेस्पिक सिटी पार्क की फार्म मार्केट में किसान स्थानीय लोगों को डायरेक्ट बेचते हैं अपनी फसलें, लोकल कम्युनिटी को भी मिलता है लाभ। पंजाब में डायरेक्ट मार्केटिंग ना होने से किसान होते हैं मंडियों में परेशान। भारत के अन्नदाता कहलाने वाले पंजाब के किसान को अपनी फसल पकने के बाद इसे बेचने के लिए मंडियों में खरीद एजेंसियों का इंतजार करना पड़ता है तथा कई कई दिन उनकी फसल का खरीदार तो दूर, उसका उचित मूल्य लगाने की ओर सरकारें कई दिनों तक आंखें मूंदे रहती हैं। भले ही समय की सरकार पंजाब को कैलिफोर्निया पैटर्न पर लाने के दावे कर रही हो, लेकिन मौजूदा कई साल बीतने के बावजूद किसानों के लिए परिस्थितियां जस की तस हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, यहाँ किसान अपनी फसल सीधी फार्मर मार्केट में लाकर बेच रहे हैं, जिससे ना तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है बल्कि स्थानीय लोगों को भी इससे अधिक फायदा मिलता है। अमेरिका के वर्जीनिया के चेस्पिक सिटी पार्क में लगती फार्मर मार्केट में लोग स्थानीय किसानों द्वारा पैदा की गई सब्जियों, फल, हर्बल, अंडे, शहद आदि खरीदते हैं। इस भावना के पीछे स्थानीय तौर पर पैदा किए जा रहे कृषि उत्पादों को उत्साहित करना होता है। वहीं खरीदारी करने से पैसा स्थानीय कम्युनिटी में ही रहता है। लोकल स्तर के कृषि उत्पाद जहां ताजा व सीजन के अनुसार होते हैं, वहीं स्वाद भी बना रहता है। इससे स्थानीय किसान बड़े घरानों की चपेट में आने से भी बच जाते हैं। चेस्पिक सिटी में लगने वाली दो फार्मर मार्केट में से एक है तथा दूसरी मार्केट बैटलफील्ड पार्क में लगती है। We've got here at the Chesapeake Farmers Market, good variety of products. It's all homegrown stuff. This time of year, we're big into the greens, collard greens, Hanover salad, all of the good pumpkins, all of the apples, stuff like that for the fall season. During the summer, we have some peaches, we have fresh homegrown tomatoes, squash, everything you need for fresh vegetables, we've got it here at Dispense Farms. अब सवाल ये उठता है कि पंजाब सरकार कब किसानों को इस प्रकार डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए अपने उत्पाद बेचने के लिए अवसर प्रदान कर पाती है, या फिर पंजाब का किसान यूं ही मंडियों में परेशान होता रहेगा। अमेरिका के वर्जीनिया से जागती लाइट के लिए सुरेंद्र ढिल्लों की रिपोर्ट।